लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा आज 5 नवंबर को चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 7 पर पटियाला के पास टोल प्लाजा पर जाम लगाया गया। इस मौके धरना प्रदर्शन कर रहे किसान हरजीत सिंह ने बताया कि कृषि बिलों को लेकर यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज उनकी यूनियन की तरफ से 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरे पंजाब में चक्का जाम करने का आदेश था। हरजीत सिंह ने बताया कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, किसान की अपनी लड़ाई है, वह खुद ही लड़ेगा। हमें किसी भी पार्टी पर विश्वास नहीं है। मालगाड़ी रोकने को लेकर किसान हरजीत सिंह ने बताया कि किसान जथेबंदियों द्वारा सवारी गाड़ी रोकी जा रही है, कोयला या अन्य सामान ले जाने वाली मालगाड़ियों को वह नहीं रोकेंगे। आजाद टीवी न्यूज के लिए पटियाला से राकेश जिंदल की रिपोर्ट। कारण यही है जी, जिहड़े मोदी ने 3 बिल पास करे है, जब तक यह वापस नहीं लैंदा अणमिथे समय लिए धरने अं चलते रहेंगे जी। पर लगातार जिहड़े एक सरकारों इल्जाम लगाया जा रहा है कि किसान जिहड़े हन रेलवे ट्रैक के उत्ते बैठे हुए हैं, कोला भी खत्म करने की गल की जा रही है, होर जिहड़ी समान महंगा होने की गल की, जिहड़ा सीधे तौर पर किसानों के उत्ते इल्जाम लग रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है जी, जिहड़ा इल्जाम ये ला रहे हैं। ट्रैक 21 तारीख तो लैके 5 तक खाली सके, हुण ये बुनियाद बिधा के 20 करती है किसानों ने जी। हुण केंद्र सरकार ट्रेना नहीं चलाना चाहती, ये पंजाब नाल जिहड़ा हैगा कि मतरेई माल शुरू कर रहे हैं जी। बिल्कुल सारे जिहड़े किसान ट्रैकर से बैठे सीगे वो सारे उठ चुके हैं जी। ये साढ़े जिहड़े काले कानून ने मोदी ने बनाए हैं, इस बारे असी सारे जिन्ने किसान है ना सारे दुखी है, क्योंकि सत किसान मारू नीति नाल इन्हें जिहड़े 3 आर्डीनेंस जारी किए हैं, इन्हां तो असी विरोधता करते हैं। सारे किसान जिन्ने भी आए हैं, सारे पिंडां दे इलाके दे सारे पिंडां दे किसान आए हुए हैं, इसलिए इसकी विरोधता असी करते हैं। और मोदी ने साडा गल घुट के और सानू मारन योग कर दिता है।